Assalamu alaikum guys, welcome back to our YouTube channel. Welcome to our today another vlog. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं हम आप सब खैर खैरियत से होंगे. तो ये जनाब अभी बाहर से आए हैं, बाहर गए थे कुछ चीज़ें लेने के लिए और अभी रेडी होकर बैठे हुए हैं क्योंकि अभी हमने फिर जाना है. तो अभी जो है ना मैं रेडी होती हूँ क्योंकि अभी मैं गुगू को गुगू से हेलो हेलो से हेलो अस्सलाम वालेकुम मिलो पाला बेटा माशाल्लाह नजर आ भी रहा है बेबी. हाँ तो यार अभी मैं इसको करने लगी हूँ, इसको अभी मैंने रेडी किया है. ठीक है जी जनाब, इसको हमने रेडी शेडी किया है और इसको घर छोड़ के जाएंगे, साथ लेके नहीं जा सकते, बाहर ठंड है. कल मजबूरी में ले गए, अभी कल फिर से इसकी वैक्सीन है तो इसको लेके जाना पड़ेगा. कल फिर जाएंगे. काका कदर जाएगा कल? हाँ तो यार अभी मैं अभी मुझसे सीजर ही ढूंढने वाली यार. अब्दुल्ला क्यों नहीं कर रहा? मेरा ना एक हाथ में कैमरा है ना, असल में मैं इसलिए खोल नहीं सकती, तो इसलिए आपको बुलाया. तो भाई ये रहा माउथ क्लीनर. चपा का भी माउथ क्लीन करेंगे हम, चपा का माउथ क्लीन करेंगे ये. अब देखना यार ये कितना गंदा मुंह बनाती है. फिर अच्छा स्लो जाना सेट हो जाती है. ट्राई इट बेटा. इससे ये होता है कि यार बच्चे के मुंह से स्मेल नहीं आती है, तो ये छोटे बच्चों के लिए होता है. तो ये भी इसकी दादू ने मंगाया था तो हम ये यूज़ करते हैं, नहीं तो यहाँ पे चाइनीज़ चीज़ों का मुझे तो कोई ख़ास पता नहीं. अच्छा तो यार अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये तो मैंने आपको बताया नहीं. अभी हम लोग जा रहे हैं पिक्चर्स की सिलेक्शन करने के लिए कि कौन सी पिक्चर हमने फ्रेम में लगानी है, कौन सी नहीं लगानी. तो अभी हम वो काम करने जा रहे हैं. तो और दूसरी बात ये कि ये मेरे लंबे लंबे बाल, इनको कटिंग कराने जा रही हूँ. वैसे आपने कहा था कि नहीं करवाएं, बट यार लिटरली मेरे नज़र में ना ये एक तो नीचे से मेरे बाल सारे ख़राब भी हो चुके हैं, डैमेज हैं थोड़े थोड़े नीचे से. तो ये अच्छा होता है, थोड़ा कटिंग कराऊंगी, थोड़े जो नए बाल आएंगे वो अच्छे आएंगे. और ये वैसे भी गिर बहुत ज़्यादा रहे हैं तो इतने फिर मुझसे बड़े बड़े अब संभालने नहीं होते ना. मैं इसके साथ तंग होती हूँ और बांध के रखने की मुझे आदत नहीं है. मैं तंग होती हूँ बांधने में भी, बहुत मुश्किल से कभी कभार मैं बंद कर देती हूँ पर फिर मैं तंग होती हूँ. तो इस तरह बांधने की भी आदत नहीं है तो इसलिए हमने सोचा कि चलो इनको थोड़ा छोटा करा देते हैं. तो अभी जो है ना बस फिर हम लोग कटिंग के लिए भी जाएंगे, चपा को घर छोड़ के जाएंगे. चपा अपनी दादों के पास होगी, अपनी नैनन पास होगी और हम चलते हैं. ओके बेटा, ओके नॉटी गर्ल नॉटी गर्ल, शी इज़ अ लॉट ऑफ नॉटी. इतनी नौती है ना, और साथ साथ मैंने मशीन लगाई हुई. यार इतने ज़्यादा कपड़े जमा हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं है. मेरे पास जगह नहीं थी. ये इसकी ब्लैंकेट अभी ड्राई हुई है, दो दिन मैंने छोड़ी है यहाँ पे कि धूप ठीक से इसको लगे ताकि ये सही से क्लीन हो जाए. मैंने इसकी ब्लैंकेट धोई थी ना, तो अब जो है ना मैंने करना है कि कपड़े मशीन में डाले हुए हैं, निकलने तक हमारे हो जाएंगे तो डाल के कपड़े शपड़े. और दूसरी बारी के ब्लैक सारे जो है ना, मैंने ब्लैक ट्राउज़र वो एक जगह पे किए हुए ताकि किसी और कपड़ों में डाल दूँ ना तो फिर और कपड़ों की जो बुर होती है ना छोटी छोटी, वो इन कपड़ों को लग जाती है, ब्लैक ट्राउज़र्स को और सबको. फिर मैंने कहा इनको ब्लैक को अलहदा धो लेंगे ताकि ऐसा कुछ ना हो. शो कल माशाल्लाह से सफ़ा बहुत प्यारी लग रही थी. माशाल्लाह थैंक यू सो मच. बस आप लोग माशाल्लाह बोल दिया करें फिर नज़र नहीं लगती. बस आप लोग माशाल्लाह बोला करें. ओके जी, मुझे माशाल्लाह बोल दिया करिए, मुझे नज़र ना लगे. क्यों ना बेटा मेरा, कल मेरे बच्चे की वैक्सीन है. कल मेरा बेटा आई थिंक सो के रोएगा क्योंकि अभी ये थोड़ी माशाल्लाह बड़ी हो गई है तो अब समझदार भी हो रही है थोड़ी. वैसे जब छोटी थी थोड़ी तो वो उसको समझ नहीं आती थी कि क्या हो रहा है. बेला ये फेंक दे एंड चलें जी, मैं चलती हूँ जाके जाना, जल्दी से रेडी होती हूँ. अच्छा तो भाई मैं हो चुकी हूँ तैयार. ये जो मेरी फ्रॉक है ना, ये मेरी जो है एक तरह से वरी की फ़्रॉक है, मेरी शादी का फ्रॉक है. ये सासू माँ ने लिया था मेरी वरी के लिए. तो ये है जी. अब मेरे बाल लास्ट टाइम आप लोग देख लो लाइक कि अभी इतने हैं, इतने सी
लास्ट टाइम देख लो, अभी मैं जाऊंगी जाके इनको कट कटिंग कराऊंगी। अदला बैक साइड से मेरे मेरे बाल दिखाएं। सो भाई अभी जो है ना हम लोग चलते हैं, तो ये भी मैंने यही पहना है फ्रॉक। मैं देखती हूँ बाहर ठंड है या नहीं। क्या कर रहे हैं? अच्छा दुल्हन मुझे पहले लेक बाहर लेके जाने से पहले कहते थे चेक करो ये कपड़े तुम्हारे लिए ठीक है। लग तो ठीक रहा है मुझे पालन। क्या करूं क्योंकि यार ये एक टाइट में और इस तरह में तो बाहर बंदा बड़ी ठंड होती है। बट अब मेरा मेरा इसके साथ ये दिल है कि मैं इसके साथ यही पहनूं, इसके साथ और कुछ अच्छा नहीं लगता ना। तो चले कपड़ों की मशीन तो अभी तक बोली ही नहीं है। अच्छा तो यार मैं तो निकली थी सिर्फ ड्रेस पहन के, ऊपर मैंने कुछ भी नहीं पहना, मैं जैकेट नहीं पहन के आ रही थी। ये सासू माँ ने मेरी कहा नहीं भाई सर्दी है सर्दी है, जैकेट पहन के जाओ। फिर हम जी मैंने कहा अच्छा सही है, पर इसमें फिर मैं और अब जो है ना वो हो गई हूँ यार, ऊपर नीचे इसने कपड़े पहनो फिर बंदा इतना तंग होता है। ये फ्रॉक गर्म थी, अब मैं इतनी तंग हो रही हूँ, पर क्या कहूँ कि इन लोगों ने कहा कि ठंड है और है थोड़ी बहुत, इतनी नहीं है शुक्र। चलो यार चलते हैं। ये खुला है आज अब्दुल्ला, स्ट्रीट फूड ओपन है। कम बैक देन ओके कम बैक देन वी ईट क्रैक। चले भाई भागे, माय फिंगर इज सो पेन फीट वन मैं आज ही माय फिंगर सो पेन, मुझे फीट के नेल्स कट करने याद ही नहीं रहे यार अब्दुल्ला। अब फिर वो चुपते हैं ना मुझे तंग करते हैं। ये फोटोशॉप भी ना थोड़ी दूर है, चल के हमें पैदल जाना पड़ता है। चले भाई कोई भी नहीं है, चले चले ना कोई भी नहीं है, लेट्स गो। ये लोग तो खड़े ही आए, कोई नहीं है दूल्हा, नो वन। जब गाड़ियां चाड़ियां थी ना मैं तो निकल आती हूँ, इतनी देर खड़े नहीं होने होता। ये अभी तक इस पहाड़ी पे स्नो पड़ी हुई है अब्दुल्ला, सो मैनी डेज अगो बट द स्नो नो मेल्ट। और आज तो धूप भी नहीं है यार बिल्कुल ही, वो तो मैं जाती हूँ तो स्मेल आती है। No, go there. There's so smell. No. So not so much car. यार ये लाइन पे यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई होती है। Why Abdullah? There's so many cars there. If other cars stop. अच्छा. You see that sir have ready. Yeah. अच्छा तो भाई हम लोग आ गए, हम लोगों ने सिलेक्शन भी कर ली, काफ़ी टाइम लगा एंड नाउ वी वर गोइंग बैक, नॉट गोइंग बैक गो टू कट हेयर। यार इतने कोई ये लोग कंजूस हैं, लाइक यार ये लोग इतने कंजूस हैं, इतने कंजूस हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इतना मतलब ये लोग यहाँ पे वो लोग हैं कि कहते हैं कि वो नहीं करना पिक्चर जो है ना कॉपी नहीं करनी। यूएसबी हम अपने साथ लेके आए थे, हमने कहा सारी पिक्चर्स हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि टोटल पिक्चर्स थी 80 और वो डिफरेंट थोड़ी आ रही थी, तो मैंने कहा हम कॉपी कर लेते हैं और जो एल्बम के लिए सेलेक्ट करनी वो अलग कर लेते हैं। अब्दुल्ला किधर जा रहे हैं? हेयर कटिंग इज वन इज देयर या वाई गो मेडिकल आफ्टर यू कैन गो फर्स्ट इज दिस थिंग कमिंग। तो यार क्या नाम है, इन लोगों ने हमें नहीं बनाने दी, तो फिर मैंने पता क्या किया, मैं अपने फोन में क्लिक कर दी रही हूँ पिक्चर्स मैंने कहा आप लोग बाद में कर लेंगे उसको सेट, तो मैंने वो क्लिक की और उसके बाद ये था कि यार हमने काफी जो है ना पिक्चर्स फिर बीच में से डिलीट कर दी, जो डिलीट कर दी रही हूँ वो फिर मैं अपने फोन में लेती रही हूँ।
तो मैंने अपने फ़ोन में वो पिक्चर्स को क्लिक कर लिया था। सो अभी हम आए हैं हेयर कटिंग के लिए, देखते हैं यहाँ पे कितने पैसे हमसे लेते हैं। तो कह रहे थे कि अगर आप लोगों ने करनी है पिक्चर्स सारी तो पैसे और दो। वी हैव नॉट सो मच मनी। अच्छा तो भाई हम आ चुके हैं नाई की दुकान पे। अब्दुल्ला बोले नाई अब्दुल्ला को नहीं समझ आई नाई क्या होता है। अब्दुल्ला इन उर्दू वी से टू हेयर कट पर्सन नाई बोलते हैं। हेलो बट मेरे बाल खराब कोई ना करे, बट सेट दम नॉट खराब माई हेयर, जस्ट आई वॉन्ट टू कट स्ट्रेट, नो एनीथिंग लाइक स्ट्रेट। हाँ खराब नहीं करना प्लीज। तो भाई इन लोगों ने क्रिसमस का लगाया हुआ है, बट ये चाइना वाले क्रिसमस नहीं मनाते। वैसे देखा है मैंने, हमारे घर में भी नहीं मनाया क्योंकि ये लोग नहीं मनाते। ये लोग जस्ट लगाते हैं इस तरह शॉप्स वगैरह पे ताकि कस्टमर्स आए, बट ये नहीं बनाते। तो किधर जाऊँ मैं, क्यों बैठूँ? So many chairs, you can choose. So भाई मैं जाना वो करती हूँ यार, मैं देखती हूँ कि मेरा हेयर स्टाइल, मेरे हेयर्स कौन से, मैंने इनको दिखाने, मैं इनको दिखाती हूँ ताकि ये उतनी ही लेंथ में भी करें। ये ना हो मैं इनको कुछ और बताऊँ, मेरी ज़बानी ना समझे, मेरे बालों का कुछ और बेड़ा वर्क कर दे। तो चलें मैं देखती हूँ पिक्चर, जिसकी पिक्चर मुझे अच्छी लगती है जिसके बाल, तो मैं इनको दिखाती हूँ कैसे मुझे स्ट्रेट बाल चाहिए। अब्दुल्ला हम भी घर में कॉफ़ी वाला ये लगा लेते हैं ना, विच वन दे हैव कॉफ़ी वन वी ऑल्सो मेक एट आवर होम कॉफ़ी वन मशीन। व्हाई नो नीड इन विंटर नाउ व्हेन वी फीलिंग कोल्ड वी कैन सो वी कैन जस्ट वन कॉफ़ी वन पाउडर पुट इनसाइड एंड पुट हॉट वाटर व्हिच डिफरेंट। ये मशीन है ना, इसमें ज़्यादा अच्छी बनती है ना, इसलिए एवरी डे नीड ओपन क्लीनिंग। You cleaning, you are free. You are free. This one need every day put powder, put water and every day cleaning. For women also they do same? Yeah. Because for men they do like this, by washing first and then... The cloth washing easily cut. But in Pakistan they do spray. But spray count all parts. I just want that my hair is bad now. I'm so worried. Don't worry about it. Some app. Last time like this one? Yeah. Last time I think when I dye my hairs in Pakistan, then they, of course, then they wash hair in Pakistan. When we do color on hair. So, maine na dye karwaya tha apna last time. Kaafi time pehle karwaya tha. And now so long time after. Okay. Now you can off it sometime. So far away. Cut there, okay?
So how are now feeling? 就看到没什么，就随便分就行了。你怎么分都可以，就乱一点都可以。But they're finished. They're finished, but what about this one? This one is for design for yourself. Yeah. Only homemade. 现在也挺流行这样分的，就是头领看它乱，它不会有一条线，乱一点，所以乱一点。Yeah, some little change. Yeah. And from there. See to him that there's some straight, this one some back. How back? Like comb is do this comb like this straight. See to him. Did I have to feel like that before? It's okay or now it's okay? Bad any? This look you like or no? It's okay, but now it's just a cutting finish. Maybe have some dry or something. Yeah, but they make dry my hair. अच्छा तो यार मेरे बालों को उन्होंने इतना इतना छोटा कर दिया, हालांकि मेरा जो इरादा था वो मेरा इरादा था यहाँ तक छोटे करवाने का, थोड़े से और लंबे मेरा इरादा था, बट उन्होंने कुछ ज़्यादा ही छोटे कर दिए. बट चलो यार फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं. पर अब मुझे ना अपना आप अजीब सा थोड़ा लग रहा है, क्योंकि पहले कितने बड़े बाल थे और अभी बहुत ज़्यादा ही छोटे हो गए, और अभी हमारी एनिवर्सरी भी आने वाली है. बट लेट्स सी क्या हो सकता है, थोड़ा चलो लाइफ में थोड़ा चेंज भी आना चाहिए. सो लेट्स वी गो. अच्छा तो यार हम लोग आए हैं स्ट्रीट फूड खाने के लिए, क्योंकि भूख लगी थी, कुछ भी नहीं खाया. और मुझे पता है अपने आप ना लेला लग रहा है, लेला लेला नहीं होता, अब्दुल्ला बोले लेला लेला. तो मुझे ऐसे अजीब सा लग रहा है. बट यार आप लोग बताएं कैसे लग रहे हैं नए हेयर्स, अच्छे लग रहे हैं नए हेयर कट, बाद में फिर बड़े हो जाएंगे सारे यार. बट अगर मैं इन्हीं बालों को स्ट्रेट करूंगी ना तो ये मजीद ज्यादा अच्छे लगेंगे. और पता है क्या, जो मेरे कलर हेयर थे ना वो खत्म हो चुके हैं, वो बिल्कुल मतलब जो अब मेरे बिल्कुल बाल सिर्फ ब्लैक है. तो बाकी यार कलर शलर डाई शाई यहाँ पे देखते हैं करा सकती हूँ या नहीं, मुश्किल लग रहा मुझे तो, क्योंकि यहाँ एक्सपेंसिव है. ये कटिंग भी बड़ी एक्सपेंसिव हुई है, बट ये है कि मैं बहुत तंग हो गई थी, मेरे बाल बहुत ज्यादा गिर रहे थे जगह जगह. इवन कि मैं वॉशरूम में कंघी करती हूँ पर फिर भी मेरे बाल इतने गिरते थे बेड पे जगह जगह, मुझे बहुत अजीब लग रहा था, गुस्सा आता था बहुत ज्यादा. मैंने कहा बस थोड़ा यार कटिंग करा लेते हैं. अब मुझे नहीं पता घर वालों का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि घर वालों को हमने नहीं बताया कि हम कटिंग के लिए भी जा रहे हैं, मैं कटिंग करा रही हूँ. क्योंकि मेरी सासू माँ ने कहा था बाल नहीं कटवाना, लंबे बाल अच्छे हैं, उनको भी लंबे बाल अच्छे लगते हैं. तो लेट्स सी क्या होता है. तो चले यार हम लोग जाएंगे अभी इसके बाद घर, और अभी हम खाएंगे गरम गरम अपना जो है ना नूडल खाएंगे, इसको नूडल ही कहते हैं मैदे के नूडल, तो स्ट्रीट फूड खाएंगे. और अपने रखे बहुत सारा ख्याल रखे, अपनी दुआ में याद मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए व्लॉग में नए दिन के साथ. तो कल जाएंगे हम सफा की वैक्सीन के लिए. सो Stay tuned with us. So, bye bye. Allah Hafiz. See you tomorrow. Just the channel subscribe nahi kiya, please subscribe the channel and press the bell icon. And don't forget to watch our daily vlogs. So, bye bye. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.